यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है यीशु का दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। फिर यीशु गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह यीशु की चर्चा होने लगी। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।